हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो दिल्ली में हुई हिंसा का पल पल का अपडेट आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली का करावल नगर इलाका, यहां रिपोर्टिंग करने गई एबीपी न्यूज की टीम पर हमला किया गया है, कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई है। एबीपी न्यूज की टीम पर हमला किया गया है दिल्ली के करावल नगर इलाके में, संवाददाता पर हमला हुआ है, कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई है। एबीपी न्यूज के संवाददाता उत्कर्ष सिंह यहां अपने कैमरामैन के साथ मौजूद थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे और उसी दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष पर हमला हुआ, कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई उपद्रवियों की तरफ से। तो रिपोर्टर का काम देखिए सच दिखाना है, लेकिन ये उपद्रवी चाहते नहीं है सच सामने आए, तस्वीरें कैमरे में कैद हों और इनके खिलाफ गवाही देती हुई नजर आए देश भर के सामने। तो ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको करावल नगर इलाके से दिखा रहे हैं, करावल नगर इलाका दिल्ली का जहां आज सुबह आगजनी हुई है, वहीं पर एबीपी न्यूज की टीम मौजूद थी। हमारे रिपोर्टर उत्कर्ष सिंह, आप जानते हैं उत्कर्ष को, बड़ी मेहनत और लगन के साथ ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते हैं और आज भी मुश्किल हालात में वो करावल नगर पहुंचे, लेकिन वहां पर उत्कर्ष पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर पर हमला किया गया, हमारा कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई है उपद्रवियों की तरफ से। देखिए सोमवार को भी दिल्ली में हिंसा हुई थी, हिंसा के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई जो बेहद डराने वाली थी। एक युवक बाकायदा पिस्तौल लहराता हुआ, पिस्तौल से गोलियां चलाता हुआ नजर आया। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।